कि नीतीश जी से गलती हुई है, ताड़ी बंदी गलती हुई है और ये पासी समाज का पूरा व्यवसाय खत्म हो गया है। उनका रहन सहन, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका शिक्षा, उनका खान पान काफी प्रभावित हुआ है और उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने नहीं किया है। ताड़ी तो गलत बात है, ताड़ी का आप देख लीजिए, डॉक्टर भी बताते हैं जॉन्टिस होता है तो पिलाने के लिए ताज़ा ताड़ी उतार के पीजिए, जॉन्टिस ठीक हो जाता है। तो ये दवा के काम करती है, नशा के काम नहीं करती है। नीतीश जी कहते हैं महादलित मानते हैं, तो महादलित जो है पासी चला गया काशी में और वहाँ के बासी बन गया। हम लोग तो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, लालू जी के पक्षधर है, उन्होंने मैंने कि खत्म किया और नीतीश बाबू ने देखिए ये तो जूस है। तो तेजस्वी जी काम नहीं करवा पा रहे हैं? तेजस्वी जी नहीं करवा पा रहे हैं, चाहेंगे उनका तो है इच्छा, हार्दिक इच्छा लालू जी का है, तेजस्वी जी का है। हम लोग दानापुर से बिलोंग करते हैं पूरा। सरकार में किनकी चलती है, तेजस्वी जी की या नीतीश जी की? अरे आगे बूढ़ा घोड़ा घास खाएगा, अब नौजवान को चाहिए एकदम झंडा गाड़ देना है, तेजस्वी जी को लाना है सीएम के मुंह। एकदम एकदम एकदम। नीतीश जी फिर क्या करेंगे? नीतीश वो अपना मैंने की समझे, अपना समझे। मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हैं और आज तारी जो बंदी है यानी शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, वादा करते हैं नीतीश कुमार जी, ठीक उसी तरह तारी भी बंदी है। देखिए इस तरफ कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए, हम किसान हैं, शराब के व्यापारी नहीं, तारी कृषि उत्पाद है, शराबबंदी से तारी को मुक्त करें। अर्थात जो तारी है, जो शराबबंदी है वो ठीक है, लेकिन तारी बंदी है उसे मुक्त करे, यानी कि तारी को जिस तरह से बिक रहा था पहले उसी तरह से तारी बेचा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी। तमाम जो बड़े नेतागण हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे, जैसे जगदानंद बाबू हो गए और भी तमाम चौधरी जो नेताजी हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे और बातचीत हुई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे शराबबंदी है इसे आप ठीक मानते हैं या तारी बंदी है इसे आप ठीक मानते हैं? नहीं, शराब बंदी है वो तो ठीक है, लेकिन उसको ताड़ी से जोड़ कर रखना ये कहीं से न्याय नहीं है और बासी समाज के प्रति पूरा अत्याचार है। उनका पूरा जो रहन सहन, उनका पूरा गृहस्थी इससे प्रभावित हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि ताड़ी को कृषि का दर्जा देते हुए इसे अविलंब मुक्त किया जाए। तो सरकार तो आपकी ही है ना, सरकार आपकी है? नहीं, सरकार हमारी है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट गलत सलाह दे देते हैं और उस सलाह पर सरकार काम करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उनको रास्ता दिखावें और जो गलती हो चुकी है उसको पुनः वो गलती दोहराएं। कुमार जी तो कसम खाए हुए हैं कि हम मुझे न शराबबंदी को ओपन करना है और न ही क्या करते हैं ताड़ीबंदी को ओपन करना है। कभी 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 ऐसा है कि सरकार को रिजिड नहीं होना चाहिए और जो सही बात है उसको बाद में अगर ऐसा होता है कि हमसे गलती हो गई है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। और इसमें हमारा कहना है कि नीतीश जी से गलती हुई है, ताड़ी बंदी गलती हुई है और ये पासी समाज का पूरा व्यवसाय खत्म हो गया है। उनका रहन सहन, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका शिक्षा, उनका खान पान काफी प्रभावित हुआ है और उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने नहीं किया है। वादा उन्होंने बहुत किया, ताड़ी जो वही बच्चे बेचेंगे तो उनका भविष्य ताड़ी में नहीं रह जाएगा। ताड़ी हम लोग भी ताड़ी, हमारे भी पिताजी ताड़ी बेचते थे और हम लोग आ करके सरकार में नौकरी किए और क्लास वन अफसर से रिटायर किए। ऐसा नहीं है कि ताड़ी बेचने वाले, ताड़ी जो व्यवसाय है वो व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय, जैसे आज शराब का जो व्यवसाय करते थे या और भी किसी चीज़ का व्यवसाय करते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, ऐसे ही लोग हैं। तो उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, उनके पास देखिए पासियों के पास कोई कृषि भूमि जमीन नहीं है, 1% लोगों के पास है और उनका रोजी रोटी यही था। तो इस रोजी रोटी को पूरा बंद कर दिया गया है और 2016 से सभी लोग प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं और नीतीश कुमार को कसम खाने की, इसमें कसम खाने की कोई बात तो नहीं है, एक नीतिगत निर्णय है, उसको थोड़ा संशोधित करना है। अब ये कैसा वक्त आ गया है कि आप ही के सरकार है, आपकी सरकार है, उसमें भी आप लोग को इस तरह से हमारी सरकार नहीं, जिस समय निर्णय हुआ था उस समय पूरे जनता राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं थी और कोई भी ऐसी सरकार या कोई भी ऐसा मनुष्य या जनता ये नहीं चाहता है कि नशाबंदी कोई ख़राब चीज़ है। लेकिन नशाबंदी हुई थी 1937 में भी, उस समय भी ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं था, 1979 में भी नशाबंदी हुई थी उस पर भी ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं था, उसको भी कृषि मानकर उस पर छूट दिया गया था।
तो अभी प्रतिबंध क्यों, ये हमारा काम। अपना नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बिहारी प्रसाद है, मैं अखिल भारतीय पासी समाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। कैसे देखते हैं मैडम, आप लोग पासवान समाज से हैं? नहीं, पासी है, पासी हम लोग, हाँ पासी हैं। चौधरी समाज से? जी जी। कैसे देखती है, क्या आप लोग महिलाएं इसके लेकर के कहीं ना कहीं ज्यादा नीतीश जी का साथ दे रहे हैं कि ताड़ी बंदी उन्होंने किया, उन्होंने शराब बंदी किया, आप लोग साथ दे रहे हैं नीतीश जी का? नहीं, शराब जो है वो तो ठीक है, अपना जगह वो बहुत अच्छा है, शराब बंदी होने से बहुत ऐसी महिलाओं की जो परेशानी होती थी इससे तो बहुत अच्छी हुई है, हम लोग सारी महिलाएं इसे समर्थन दे रहे हैं। पर ताड़ी तो गलत बात है, ताड़ी का आप देख लीजिए, डॉक्टर भी बताते हैं जॉन्टिस होता है तो पिलाने के लिए ताज़ा ताड़ी उतार के पीजिए, जॉन्टिस ठीक हो जाता है। तो ये दवा के काम करती है, नशा के काम नहीं करती है। तो इसलिए हम पासी समाज के जितने भी हम लोग हैं पासी समाज, हम माननीय नीतीश जी और तेजस्वी बाबू से मांग करते हैं कि हम लोग के ताड़ी है जो नशा मुक्त कराया जाए, बंदी जो है उसको हटाया जाए, ताड़ी बंदी को हटाया जाए। नहीं, देखिए ये शराब बंदी अलग चीज है और ताड़ी अलग चीज है। ताड़ी को आप कैसे शराब से जोड़ सकते हैं? ये तो एक जूस के रूप में आप कहिए कि ये जूस है एक, और जूस की तरह आप उसको लीजिए। और ये तो कई एक बीमारी में आपको, महिलाओं की कई एक बीमारी होती है जिसको आप ये ताड़ी पिला करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। नीतीश जी नहीं मानेंगे कि मुझे शराब बंदी भी रखना, ताड़ी बंदी भी रखना, तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए ये तो सरकार का निर्णय होगा, हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं और अपनी बात को ही रख सकते हैं। तो ये तो सरकार का निर्णय है कि वो क्या करते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ये गलत बात होगा कि शराब से आप ताड़ी को जोड़ रहे हैं। आप लोग चौधरी समाज से बिलोंग करती हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोग का क्या मांग है कि जो चौधरी समाज के जो निचले स्तर के जो गरीब तबका है वो शराब बेचे तो क्या उनके बच्चे भी शराब ही बेचे? देखिए हम लोगों का सीधे यही है, हमारे भी पूर्वज ताड़ी बेचते थे और ताड़ी बेच करके आज हम लोग को पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचा है कि हम आज आपके कैमरा के सामने दो शब्द कह सकते हैं। तो हमारा पूर्वज ये बिल्कुल ही, हम लोग को तो पढ़ने तक नहीं दिया गया था। लेकिन ताड़ी अचानक पासी समाज को बिना रोजगार दिए कोई अन्य व्यवस्था किए हुए किसी के रोजगार पर लात मारना, ये सरकार के निर्णय बहुत ही गलत है। सबसे पहले ही आप लोग अब उग्र रूप लीजिएगा, आंदोलन कीजिएगा। आंदोलन करेंगे, उग्र रूप में आंदोलन करेंगे अपनी मांग के लिए कि जब तक अन्न व्यवस्था नहीं है तब तक इसको है जो कि जारी रखा जाए, यही है सरकार से मांग हमारी। और ये शराब बंदी के इसमें नशा नहीं है, अगर इसके फर्मेंटेशन होने के पहले इसका यूज किया जाए तो ये शराब नहीं, नशा नहीं है इसमें, ये तो कृषि है, उद्योग है। कैसे देखते हैं सर शराब बंदी और ताड़ी बंदी को, कैसे देखते हैं? ठीक तो नहीं, गरीब गुरबा के हक में बहुत रोजी रोजगार छीना जा रहा है, छीना गया है, सब लोग एकदम पलायन हो रहे हैं बिहार से, इसका असर नीतीश बाबू पर पड़ेगा। अगर नहीं इसको ख़त्म करते हैं तो इसका असर एकदम जरूर पड़ेगा, असर पड़ेगा एकदम एकदम दम 24। दिक्कत सब समाज के लोग वंचित हो रहा है, उसका रोजी रोजगार खत्म हो गया तो क्या करेगा बोलिए, हैं दिक्कत। हम लोग तो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, लालू जी के पक्षधर है, उन्होंने मैंने कि खत्म किया और नीतीश बाबू ने देखिए ये तो जूस है। तो तेजस्वी जी काम नहीं करवा पा रहे हैं? हैं तेजस्वी जी नहीं करवा पा रहे हैं, चाहेंगे उनका तो है इच्छा, हार्दिक इच्छा लालू जी का है, तेजस्वी जी का है। हम लोग दानापुर से बिलोंग करते हैं, पूरा सरकार में किनकी चलती है, तेजस्वी जी की या नीतीश जी की? अरे आगे बूढ़ा घोड़ा घास खाएगा, अब नौजवान को चाहिए एकदम झंडा गाड़ देना है, तेजस्वी जी को लाना है सीएम के मुंह एकदम एकदम एकदम। नीतीश जी फिर क्या करेंगे? नीतीश है वो अपना मैंने कि समझे, अपना समझे, हाँ तो नीतीश जी को हटा देना है। हम कैसे कहेंगे हटा देना, वो तो जनता के को लाना है, अरे को लाना है, वो तो अपने नीतीश जी खुद बोल रहे हैं कि तुम यहाँ रहो हम वहाँ दिल्ली देखेंगे, हाँ दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली भेज दीजिएगा, जनता भेजेगा, हम क्यों भेजेंगे भाई, अभी तो जनता मिल करके, हाँ हम जनता हैं। कैसे देखते हैं सर ताड़ी बंदी और शराब बंदी को? ये गलत है, ये कृषि उत्पाद है और देखा जाए तो पासी समाज एक कृषि से जुड़ा हुआ इंसान है, कहने का मतलब है कि नशा हर एक चीज में होता है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ठीक लगते हैं या नीतीश जी? तेजस्वी जी भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, नीतीश जी भी कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी सोचना चाहिए कि किसान के लिए जितना कृषि जरूरी है, जितना खाद्य पदार्थ से बनता है जो हमारा धान फसल जो होता है उसको भी ज़्यादा खाने के बाद प्रॉब्लम होती है, इसी तरह से कृषि
मेरे श्रेय में ही आता है पेड़, क्योंकि पेड़ भी तो धरती से ही निकल करके बड़ा आसमान में जाता है और उससे रस निकलता है, उससे तो गुड़ बनता आप है। लोग क्या चाहते हैं साफ? साफ मेरा मनसा ही है कि इसको जो है नशा मुक्ति से हटा दिया जाए और एक इससे जीने वाला जो परिवार है जिसको पासी बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं, उनको रोजगार स्वेच्छा से दे दिया जाए, जिस तरह से हमारे पूर्व में 1990 में जिस तरह से लालू जी टैक्स फ्री करके और इसको मुक्ति दिए थे। मेरा मांग यही है कि ये नशा में नहीं आता है, इसको जानबूझ के नशा में लाना उचित चीज़ नहीं है। इससे एक परिवार बर्बाद हो रहा है, जिसे पासी बोलते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। अगर आप किसी को जातीय दुश्मनी से बर्बाद करते हैं तो शायद आपके लिए ठीक नहीं है। नीतीश जी जातीय दुश्मनी से बर्बाद कर रहे हैं एकदम। जिस तरह से ताड़ी को लाया गया, अगर लाना ही है तो आप क्या बोलते हैं, अंगूर से भी शराब बनती है, आप अनाज ज़्यादा खाते उससे भी नशा आता है, आप खाना खा के देख लीजिए, तो उसको भी बंद कर दीजिए ना भाई, उसको क्यों चालू रखे हैं? अगर आपको बंद ही करना है तो कृषि उत्पाद जो भी होता बंद कीजिए, मैं कहाँ मना करने जा रहा हूँ। अगर वैसा नहीं है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश जी जो चौधरी समाज है उनको दबाना चाहते हैं, यही ना? जी जी बिल्कुल। पासी समाज पे थोड़ा सा अपना जो पकड़ बनाए हैं उसको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, ये ना करें, ये हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। नहीं मानेंगे नीतीश जी और तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? जी नहीं मानेंगे तो जनता निर्णय लेगा 2024-25 में। जनता निर्णय लेगा क्योंकि जनता ही सब चीज है। बोला जाता है कि हम लोग जनता ही मालिक होता है और यहाँ पे जनता को मालिक कहाँ दिख रहे हैं? मालिक तो व्यक्तिगत लोग मालिक हो रहे हैं, तो जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो जनता इतना रोड पे आ रहा है, बार बार आपके से रिरिया रहा, घिरिया रहा है, नोटिस कर रहा है, आपसे मिलने जा रहा है, क्यों नहीं उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी समस्या क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर ताड़िया बंद किए हैं, अच्छी बात है बंद किए हैं, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करे, वो आत्महत्या करे, आत्महत्या करे, रोड पर जाए, भीख मांगे, क्या करे? आप ही बता दीजिए किस काम को लिए वो, कैसे वो अपना बाल बच्चों को जीवन की जो चलाना चाहता है कैसे चलाएगा? तो मेरा बस उनसे यही आग्रह है कि ये शराब मुक्त है, जिस शराब में आप टैक्स लगाए उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। ताड़ी को जो आप प्रतिबंध किए हैं, इसको कृषि के श्रेय में छोड़ करके इसको ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय न करें आप। मेरा यह चलिए कैसे देखते हैं शराबबंदी? और देखिए शराबबंदी जो है ठीक है, सही है, लेकिन ताड़ी को भी शराब के श्रेणी में जो रखा गया वो गलत है। गलत हाँ, कहा कि बहुत सारे पासी समाज के लोग हैं जो जेल में हैं और दो अपना उसका रोजी रोजगार है ना, है उसका रोजी रोजगार ना है, और अपना बेच रहा है, थोड़ा बहुत ताड़ी बेचता है तो उसको पकड़ के जेल में प्रशासन ले जाके ठूस दिया है, एक्साइज विभाग या जो भी। तो देखिए आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में शराबबंदी को लेकर के और ताड़ीबंदी को लेकर के बैठक हुआ था कि अब शराबबंदी वो ठीक है लेकिन जो ताड़ीबंदी है उसे मुक्त किया जाए। देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा, बैनर पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर जो बड़े बड़े नेतागण थे तमाम यहाँ पर बैठे और बैठ करके अपनी बात रखें कि हम लोग सरकार से यानी नीतीश कुमार जी से गुहार लगाएंगे कि जो शराबबंदी से ताड़ीबंदी को मुक्त करे, यानी कि जो शराबबंदी है वो तो ठीक है लेकिन ताड़ीबंदी को, जो ताड़ीबंदी है उसे मुक्त कर दिया जाए, ताड़ी को खुला रूप से जैसे चौधरी समाज के लोग रोजगार ढूंढते हैं, चौधरी समाज के लोग कार्य करते हैं, वो तमाम लोग कार्य करें, इस तरह की तमाम नीति को लेकर के ये लोग यहाँ पर बैठे थे और मशवरा किए थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 4 सीजन के साथ।